हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्कूर बस्ती रेलवे स्टेशन और दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन के बीच में कंपैरिजन। दोस्तों इस वीडियो की रिक्वेस्ट के अनुसार थी केडिया यूट्यूब चैनल ने। दोस्तों स्कूर बस्ती रेलवे स्टेशन का कोड है SSB और दोस्तों दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन का कोड है DKZ। दोस्तों स्कूर बस्ती रेलवे स्टेशन को नॉर्दर्न रेलवे ऑपरेट करता है और दोस्तों यह स्टेशन दिल्ली जंक्शन डिवीजन में आता है। और दोस्तों दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन को नॉर्दर्न रेलवे ऑपरेट करता है और दोस्तों यह स्टेशन भी दिल्ली जंक्शन डिवीजन में आता है। दोस्तों बात करें प्लेटफार्म की तो स्कूर बस्ती रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफार्म है और दोस्तों दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन पे 2 प्लेटफार्म है। तो दोस्तों ये पॉइंट जाता है स्कूर बस्ती रेलवे स्टेशन के पास। दोस्तों बात करें हॉल्टिंग ट्रेनों की तो स्कूर बस्ती रेलवे स्टेशन पे 67 ट्रेनें आकर होल्ट करती हैं। उनमें शामिल है अंडमान एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, पंजाब मेल एक्सप्रेस, गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हरियाणा एक्सप्रेस, धौलाधार एक्सप्रेस, नई दिल्ली रोहतक इंटरसिटी एक्सप्रेस। और दोस्तों दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन पे 48 ट्रेनें आकर होल्ट करती हैं। उनमें शामिल है पंजाब मेल एक्सप्रेस, हरियाणा एक्सप्रेस, फिरोजपुर कैंट मुंबई सेंट्रल जनता एक्सप्रेस, किसान एक्सप्रेस, कालिंदी एक्सप्रेस, नई दिल्ली रोहतक इंटरसिटी एक्सप्रेस, श्री माता वैष्णो देवी कटरा जबलपुर एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये पॉइंट भी जाता है स्कूर बस्ती रेलवे स्टेशन के पास। दोस्तों बात करें ओरिजिनेटिंग ट्रेनों की तो स्कूर बस्ती रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन बन के नहीं चलती है और दोस्तों दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन से भी कोई भी ट्रेन बन के नहीं चलती है। तो दोस्तों ये पॉइंट जाता है दोनों रेलवे स्टेशन को बराबर। दोस्तों बात करें रेलवे रूट की तो स्कूर बस्ती रेलवे स्टेशन से 2 रेलवे रूट निकलते हैं और दोस्तों दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन से भी 2 रेलवे रूट निकलते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट भी जाता है दोनों रेलवे स्टेशन को बराबर। दोस्तों बात करें रेटिंग की तो स्कूर बस्ती रेलवे स्टेशन को 3.1 की रेटिंग मिलती है और दोस्तों दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन को भी 3.0 की रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों ये पॉइंट जाता है स्कूर बस्ती रेलवे स्टेशन के पास। और दोस्तों स्कूर बस्ती रेलवे स्टेशन पे आपको गूगल का फ्री वाईफाई नहीं मिलता है और दोस्तों दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन पे भी आपको गूगल का फ्री वाईफाई नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी जाता है दोनों रेलवे स्टेशन को बराबर। दोस्तों बात करें पॉइंट की तो स्कूर बस्ती रेलवे स्टेशन को 6 पॉइंट और दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन को 3 पॉइंट मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से स्कूर बस्ती रेलवे स्टेशन विनर हुआ इस कंपेरिजन में।